नमस्कार दोस्तों, उषा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मटर की दाल का पूड़ी। इसको उटाना भी बोलते हैं दोस्तों, उसी का दाल है, उसका ही पूड़ी बनाएगी। पूड़ी बनाने के लिए एक हरा धनिया, मिर्चा पीस ली हूँ यहाँ पे, यहीं पे अदरक लहसुन ये भी पीस ली हूँ, अजवाइन, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग ली हूँ। यहीं पे गैस धरा दी हूँ, दाल रख देती हूँ पकने के लिए, पानी भी डाल देती हूँ। इसको चला देती हूँ दोस्तों। दाल को कुकर में भी डाल के पका सकते हो, कुकर में जल्दी पक जाएगा। तो मैं कढ़ाई में रख रही हूँ, इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। यहीं पे दोस्तों पूड़ी बनाने के लिए आटा सान लेती हूँ। आटा में थोड़ा नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। नमक को मिक्स कर लेती हूँ, पानी डाल के आटा सान लेती हूँ। आटा सान के हो गया, इसको ढक के रख देती हूँ। देख लेती हूँ दाल मेरा पका है कि नहीं। दाल मेरा पक गया है। दाल मेरा हो गया दोस्तों, इसको मिक्सर में डाल के पीस लेती हूँ। पीस को आप सबको दिखाती हूँ, देख सकते हो दोस्तों दाल मेरा पीस के हो गया। कुछ इस तरह पीसना है दाल को, वे इसी में सब मसाला में मिक्स कर लेती हूँ दाल को। इसमें दोस्तों जो हींग का पानी है ये भी डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हो गया दोस्तों, कुछ इस तरह मिक्स करना है इसको। इसी तरह दोस्तों चकई बना लेती हूँ। बना के जो मटर का बनाई थी, इसमें इसी तरह भरना है। छोटा बड़ा दोस्तों बना सकते हो आप लोग, जितना आपको बनाना रहेगा छोटा बड़ा। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा बना रही हूँ। कुछ इस तरह इसको दबा दबा भरना है। इसी तरह सारा पूड़ी बना लेती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। तवा मेरा गरम हो गया है, इसी पे डाल देती हूँ पूड़ी सेकने के लिए। देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह बना है पूड़ी मेरा। इसी तरह सारा बना के आप सबको दिखाती हूँ। कितने अच्छे से पूड़ी मेरा फूल रहा है, जो दाल का पूड़ी रहता है। देख सकते हो दोस्तों पूड़ी मेरा बन के तैयार हो गया। कुछ
जिस तरह बना है मेरा पूरी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।